हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इलेक्शन शो शुरू हो गया है। मैं हूँ सुरभि शर्मा, लेकर आ गई हूँ यूपी और पंजाब की एकदम लेटेस्ट चुनावी खबरें। हर वो खबर जिसका चुनाव से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जिसका इंपैक्ट सियासी समीकरण बदल सकता है। देखेंगे हमारे शो अब की बार किसकी सरकार में। सबसे पहले यूपी और पंजाब की आज की तीन सबसे बड़ी खबरें आपके सामने। पहली बड़ी हेडलाइन यूपी की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गाजियाबाद के लोनी में पिटाई किया, ये मामला अब आगे बढ़ चुका है। मामूली वारदात के बाद तैयारी हो गई थी दंगे फैलाने की, और इसकी टूलकिट का आज हम करेंगे खुलासा। इस टूलकिट का पुर्जा हम खोलेंगे। चुनाव के लिए कैसे रची गई थी ये साजिश, बस एक्सपोज होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी में मुसलमान वोटों के लिए कांग्रेस ने तैयार किया है मुस्लिम प्लान। 2 लाख मदरसों के जरिए मुसलमानों के घर घर पहुंचने की ये योजना है, लेकिन ये प्लान सिर्फ और सिर्फ कागजी है। आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर एक नकली पीके की फोन कॉल से पूरी कांग्रेस के खेमे में टेंशन बढ़ चुकी है। FIR दर्ज हो चुकी है और नकली पीके को अब ढूंढा जा रहा है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि गाजियाबाद के अब्दुल समद केस में अभी 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने है। 4 और बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें अनस, मुशाहिद, हिमांशु और शावेज का नाम शामिल है। इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। कुल अभी तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और गुलशन पोली और आवेश चौधरी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। उमेद पहलवान इदरीसी को भी खोजा जा रहा है। अब्दुल समद केस में पिटाई का ये कम्युनल एंगल अब पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन इसका पॉलिटिकल एंगल अब खुल रहा है, क्योंकि यूपी का ये जो चुनावी टोन सेट करने के लिए दंगों की ये जो टूल किट बनाई गई है, उसमें किसकी क्या भूमिका है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इंडिया टीवी भी कर रहा है। पश्चिमी यूपी के एक नहीं बल्कि कम से कम 6 जिलों में दंगे भड़काने की ये पूरी तैयारी की गई थी, और इस केस में एक एक करके यूपी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब कूद चुकी हैं। लेकिन इस वक्त आप वो FIR की कॉपी भी देख रहे हैं, जिसकी डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। मामला अब पूरी तरह से मुसलमान वोट का बन चुका है। लोनी केस में अब दूसरी FIR किसने की है और किस पर की है, अब आप इस पर जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये दूसरी FIR कराने वाला है लोनी का ही बीजेपी विधायक। जिस पर FIR हुई है वो समाजवादी पार्टी का लीडर है। कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि इस केस में सिर्फ एक ही मुसलमान को अरेस्ट किया गया है, लेकिन इस FIR की कॉपी को दिखाते हुए हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जो 2 गिरफ्तारियां की हैं, उनके नाम इंतजार और सद्दाम है, दोनों मुसलमान हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि चुनाव से पहले दंगे भड़काने और यूपी का ये माहौल खराब करने की जो साजिश रचने के आरोप है, वो समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान इदरीसी पर है। और 2 FIR अब जैसा कि आपको बताया कि दर्ज हो चुकी हैं। उमेद पहलवान इदरीसी को आपको बता दें दंगे भड़काने का काम मिला था। उसका पूरा रोल क्या है, पूरी भूमिका क्या है, ये जरा समझ लीजिए, क्योंकि फेसबुक लाइव कराकर ही उसने माहौल को खराब करने की ये शुरुआत कर दी थी। दंगे का टारगेट सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद और बुलंदशहर नहीं थे, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आपको बता दें देवबंद इसमें शामिल था, अलीगढ़ इसमें शामिल था, इसके अलावा मुरादाबाद और साथ ही सहारनपुर भी दंगे की प्लानिंग में शामिल थे, क्योंकि यहां मजहब के नाम पर दंगा करने की ये पूरी तैयारी हो चुकी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वैचारिक दंगाइयों से लेकर सड़क पर दंगा करने वाले भी शामिल थे, क्योंकि सोशल मीडिया से सड़क तक कोहराम मचाने का ये पूरा प्लान था। लेकिन अब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर उमेद पहलवान इदरीसी है कौन, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसकी ये बड़ी भूमिका इस पूरे साजिश में शामिल रही है। समाजवादी पार्टी से उसका ये लिंक है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है। हमारे 4 रिपोर्टर्स इसी काम में लगे हुए हैं। अब आपके सामने मैं वो सबूत पेश करूंगी जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर ये शख्स है कौन। उमेद पहलवान इदरीसी समाजवादी पार्टी का ये बड़ा नेता है, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है और ये तस्वीर आपके सामने इसका सबूत है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उसकी ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोनी में समाजवादी पार्टी का पूरा काम उमेद पहलवान इदरीसी ही देखता है, और समाजवादी पार्टी के ये जो लेटर हेड आप देख रहे हैं ना, इसमें भी इसका नाम है। समाजवादी पार्टी के MLC राकेश यादव ने ही इदरीसी को अपना ये प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था, और ये वही उस
लेटर का कंटेंट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये साफ लिखा है कि राकेश यादव के ना रहने पर इदरिसी ही उसकी जगह पार्टी की बैठकों में हिस्सा भी लेता था। और इस बीच ये भी बता दे कि उम्मेद पहलवान इदरिसी को गाजियाबाद पुलिस तलाश रही है। इदरिसी कुछ समय पहले तक हमारे कैमरे पर भी था। गाजियाबाद पुलिस को अरेस्ट करने का चैलेंज तक उसने किया था। इधर इसी के पीछे हमारे रिपोर्टर भी लगे हुए हैं, उसके बारे में लेटेस्ट खबर क्या है हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। उससे पहले यूपी के मंत्री मोहसिन रजा की बात सुन लेते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले दंगे की टूलकिट के बारे में मोहसिन रजा ने बड़ी बातें कही हैं। चुनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उमेश पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले है समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है, कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की चीज आना ये बहुत गंभीर विषय है। मोहसिन रजा की ये तीन बड़ी बातें, तीन बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने है। पश्चिमी यूपी में दंगा भड़काने की ये साजिश, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी ने दंगे की ये टूलकिट बनाई थी। मोहसिन रजा ये बड़ा बयान कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव लोनी कांड पर स्टैंड क्लियर करें, ये जवाब अब अखिलेश यादव को देना है। तो मोहसिन रजा की ये बड़ी बात आपने सुनी, लेकिन उम्मेद पहलवान इदरिसी का ये मामला गाजियाबाद से अब बुलंदशहर पहुंच गया है, क्योंकि बुलंदशहर में भी इदरिसी के खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई है। अब आपको इस FIR के बारे में भी बता दें, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की 5 टीमें पहले से ही उम्मेद पहलवान को तलाश रही हैं। अब गाजियाबाद के लोनी वाले घर पर वो नहीं है, और गाजियाबाद पुलिस की टीम बुलंदशहर के अनूप शहर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि उम्मेद पहलवान इदरिसी वहां भी नहीं मिला है। हालांकि कल रात उसने आखिरी बार फेसबुक लाइव जरूर किया था, जिसमें उसने अब्दुल समद को भी बिठाया, और वहीं पर हंगामा करने पर बुलंदशहर की पुलिस ने FIR भी लिखी है। अब इस FIR की डिटेल आपके सामने है, क्योंकि इस FIR में देख लीजिए कि किस तरीके से धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। धर्म के आधार पर नफरत फैलाना, इसके अलावा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना और सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान, इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट को भी प्रसारित करने के तहत धारा 67 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये नेता उम्मेद पहलवान इदरिसी 72 साल के बूढ़े अब्दुल समद सैफी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, और अब्दुल समद सैफी पूरी तरह इदरिसी के कब्जे में ही है। सब कुछ कैमरे पर कैद है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उम्मेद पहलवान का पहला फेसबुक लाइव। कितने लाठी डंडे, कितने अंतर, किस तरीके से, जिस तरीके से इतना बुरा हो रहा है, इस तरीके से इनकी नीचे की टांगे भी हैं। मैं आपको बताऊं, ये हाथ बात सब इनका देख लीजिए, क्या जख्म है, बहुत मारा है। उम्मेद पहलवान का लेटेस्ट फेसबुक लाइव। मैं आपको दिखा दूं कि वही चचा है जिनके साथ जुल्म हुआ है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी जुड़िए, चचा साथ में है। मैं चचा के घर पे हूँ, थोड़ा दूर भी हो जाए, मास्क लगा के रखे भी सब लोग। बुलंदशहर के अनूप शहर में अब्दुल समद के घर उम्मेद पहलवान। समाजवादी पार्टी का नेता उम्मेद पहलवान जहां जहां जाता है अब्दुल समद को साथ लेकर जाता है। उम्मेद पहलवान जो जो कहता है अब्दुल समद वही वही बोलता है। ये उन लोडो नहीं काटिए कैची से, मैंने बताई मैंने करी, मार दो मैं जान से डाली, बस काटो जान से मार दो चाहे मुझे, लेकिन नहीं माने, जबरदस्ती मारी, काट दी उन्होंने। सबसे पहले फेसबुक लाइव करके उम्मेद पहलवान ने ही अब्दुल समद के जख्म दिखाए थे और इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की FIR से पहले ही हम उसे तलाश रहे थे। इस स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अनूप शहर पहुंचे तो उम्मेद पहलवान हमें अब्दुल समद के घर पर ही मिला।
कैची क्यों लाए, पिस्टन क्यों लाए, दो बार फायर कर रहे हैं, दो बार मिस हुई है, 307 का भी मुकदमा होना चाहिए। आखिर पुलिस इस पे लापरवाही क्यों कर रही है? क्यों मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या ये दाढ़ी काटने से क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? ये हमारी गर्दन भी काट देंगे तो मुसलमान ही रहेंगे। हर बात में हिंदू मुसलमान, उम्मीद पहलवान का नैरेटिव सेट है। यही नैरेटिव उसने अब्दुल समद को सिखाया है। हमने बुधवार की आधी रात को भी अब्दुल समद के घर चेक किया तो उम्मीद पहलवान वही मिला। अब्दुल समद कैमरे पर तभी आता है जब पास में उम्मीद पहलवान मौजूद हो। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का खेल लोकल है और नेता भी लोकल है, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल लेवल का ये प्लान बनाया है। अब ये पूरा प्लान क्या है उस पर जरा गौर करिए, क्योंकि ये पूरा प्लान अब लखनऊ भी पहुंच चुका है। दिल्ली में बनाया गया था ये प्लान, लेकिन अब ये लखनऊ पहुंच चुका है। लेकिन लखनऊ में अभी सारा प्लान सिर्फ कागज पर है। जो कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगाती थी, वो अब हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। अब सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी यूपी की घटना में भी कांग्रेस के नेता अब कूद चुके हैं। पंजाब में उनके सांसद धर्म की बात कह रहे हैं, तो यूपी में तो अब खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कैसे, जरा समझिए और इस बात पर गौर करिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यूपी के लिए खास प्लान तैयार किया है। वो प्लान क्या है, एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने मदरसों को अब पूरी तरह से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है। 16,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जबकि लेकिन कांग्रेस का ये पूरा प्लान है 2,00,000 मदरसों तक पहुंचने का। इसके लिए प्रदेश की पूरी तैयारी जो टीम है वो जुट चुकी है। और यूपी में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे का काम किस तरीके से लगा हुआ है देख लीजिए। नंबर 4 से अब 2 नंबर की पार्टी बनना चाहती है कांग्रेस। मुसलमान वोट से 2 नंबर तक पहुंचने की ये कोशिश है और 2,00,000 मदरसों तक जाने की ये योजना है, क्योंकि यूपी के हर मौलवी से मुलाकात का ये पूरा प्लान है। मदरसों के छात्रों से मिलने की बात है और कांग्रेस के लिए यहां वोट मांगने की कोशिश की जाएगी, जहां मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का भी सहारा लिया जाएगा। तो कांग्रेस के इस प्लान को यूपी में एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अब अल्पसंख्यक मोर्चे के चेयरमैन शाहनवाज आलम को दी गई है। और हमने सीधे उन्हीं से यह सवाल किया, उन्हीं से यह जानने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान करने की अब जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ रही है। उनका जवाब सुनिए। किस तरह से आप मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हम उनके बीच जा रहे हैं। जो संवादहीनता बीच में आ गई थी उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है और पिछले एक साल से हो रही है, इसमें हम काफ़ी सफल भी रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि डोर टू डोर जो भी इदारे हैं वहाँ तक हम पहुँचे। तो ये अभी हम लोगों ने जो मदरसे हैं जहाँ का 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तो उन तक हम संपर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ लेटर्स भी उनको जाएंगे जिसमें आंकड़े रहेंगे। हम बेसिकली मुसलमानों को आंकड़े के आधार पर यह समझाना चाहते हैं कि सरकार बन जाती है 28 से 30% पे, आपकी अपनी आबादी जो है वो 20% है, आप अगर आ जाएंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। दूसरा, हम उनको ये समझा रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी को आप इसलिए वोट करते थे कि वो भाजपा को हरा देगी, उसकी विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट तक में मुलायम सिंह जी ये बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम मुसलमानों को ये समझाते हैं कि आप सपा को वोट इसलिए करते हो कि वो भाजपा को हराएगी, और उसके नेता संसद के अंदर कहते हैं कि उनकी बुरी तमन्ना है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो ले दे करके बेवकूफ मुसलमान बन रहा है। कांग्रेस का ये पूरा प्लान तो आपने जान लिया, लेकिन इससे साफ है कि 2022 की लड़ाई अब दिलचस्प होने वाली है। और यूपी में जहां 19% मुस्लिम हैं, अगर ये एकजुट होकर किसी एक खेमे में चले गए तो जीत आसान भी हो सकती है। फिलहाल मुस्लिम वोट बैंक पर अब आप एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी भी इस पर दावा कर रही है और बीएसपी भी। कांग्रेस अभी तक सबसे नीचे, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी एग्रेसिव मोड में है, इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक पर भी वो ज्यादा फोकस कर रही है। ये भी समझना जरूरी है कि यूपी में कहां कितने मुस्लिम वोटर हैं, इसीलिए यहां आपके सामने वो डिटेल है कि किस तरह से मुरादाबाद में 51% और इसके अलावा रामपुर, बिजनौर, साथ ही हम अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मेरठ, बहराइच में, बरेली, संभल, हापुड़, श्रावस्ती और इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी 29% है। तो ये पूरा फोकस क्यों और किस स्ट्रैटेजी किस से है मुस्लिम वोटर पर जा रहा है, ये आपने समझा। लेकिन यूपी में चुनाव से पहले ही डायरेक्ट अब हिंदू मुसलमान चल रहा है। पंजाब की पॉलिटिक्स में एक नया पीके आ गया है। कौन है वो पीके, आपको बताऊंगी, और किस तरह से इसने कांग्रेस नेताओं की मुश्किल बढ़ा दी है, जानेंगे 4 मिनट के बाद।
यूपी की तरह पंजाब की पॉलिटिक्स भी इलेक्शन से पहले उबल रही है, लेकिन आजकल यहाँ कांग्रेस के नेता जबरदस्त टेंशन में हैं। उन्हें एक फोन कॉल से अब डर लगने लगा है, क्यों जान लीजिए। बड़ी बात यह है कि अब अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू का झगड़ा दिल्ली में सुलझाया जा रहा है, लेकिन पंजाब के कांग्रेस नेताओं को जो फोन कॉल जा रहा है वो उनकी टेंशन बढ़ा रहा है। और कैप्टन के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आवाज में ये फोन पहुंचे हैं। कोई प्रशांत किशोर बनकर नेताओं को टिकट का लालच दे रहा है, तो कोई पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, और अमरिंदर के खिलाफ बयान देने के लिए भी उकसाया जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर और अमरिंदर सिंह की एक साथ ये तस्वीर भी आपके सामने है और ये असली है, लेकिन प्रशांत किशोर के नाम से जो फोन उनके करीबियों को साथ ही कांग्रेसियों को पहुंच जा रहे हैं वो आवाज नकली है, और इस आवाज के पीछे छिपे चेहरों को अब पुलिस खोज रही है। तो बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब नकली पीके की वजह से यह डर बढ़ चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर की आवाज में ही कांग्रेस नेताओं को यह फोन कॉल किए जा रहे हैं और कांग्रेस के 30 से 40 नेताओं को यह संपर्क किया जा चुका है, फोन जा चुके हैं, क्योंकि 2022 चुनाव में टिकट दिलाने का इन्हें झांसा दिया जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि कांग्रेसी नेताओं से टिकट के लिए पैसे भी मांगे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि पार्टी में ऊंचा ओहदा दिलाने का लालच भी दिया जा रहा है। लेकिन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान देने के लिए उकसाने की बात भी कही गई है। लेकिन पंजाब के हर अखबार न्यूज चैनल्स में नकली पीके की खबर छाई हुई है। पिछले महीने भी नकली पीके का एक गैंग पकड़ा गया था, जिसने आपको बता दें गिल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह वैद्य को ठगने की कोशिश की थी। कुलदीप की पूरी बात सुनाए, उन्होंने ये कहानी भी बताई है जो बेहद चौंकाने वाली है। कुलदीप सिंह की बात थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए। 6 मई से लेके 10 मई तक जो नकली प्रशांत किशोर था उसके साथ मेरी बात होती रही। ये जो नकली प्रशांत किशोर है इसके दो साथी और है। जो नकली प्रशांत किशोर था वो किसी ना किसी पॉलिटिशियन का जो बायोडाटा, वो तो कंप्यूटर पे होता ही है, वहां से निकालकर बड़ी अथॉरिटी से बोलता था कि ऐसे कुलदीप जी आप बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं चाहता हूं आप आगे बढ़े, अभी आपका सर्वे चल रहा है तो दो राजस्थान के एमएलए आपका सर्वे कर रहे हैं, अगर तो आपकी रिपोर्ट 60% के ऊपर वो राजस्थान के एमएलए देते हैं तो आपकी टिकट पक्की है, अदरवाइज जो आपकी टिकट है वो कन्फर्म नहीं हो पाई। ऐसे बातें होती नहीं। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद ये असली प्रशांत किशोर है, लेकिन क्योंकि मैं जो हमारी 2017 की इलेक्शन थी उसमें भी मैं प्रशांत जी से मिल चुका था एंड उनके स्टाफ से भी मेरी वाकफियत थी, तो जब दूसरे दिन उससे मेरे से बात शुरू की, आप ऐसे बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं आपकी ऐसी मदद कर सकता हूं, राजस्थान के एमएलए सर्वे कर सकते हैं, तो बैक ऑफ माइंड के ऊपर मैं ये समझने लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस मेरे से भी ज्यादा था। मेरे पास फोन आता है उसका कि ऐसे है कि वो मैंने आपकी रिपोर्ट कैप्टन साहब से बोल के रुकवा दी है, अब जो सर्वे है जो आपका 42% इन्होंने दिया उसको मैंने रुकवा दिया, एक नया मैं सर्वे करवाता हूँ। तो मैंने कहा प्रशांत जी आप बताइए तो सही, मैं इनको थोड़ा क्या बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता दो एमएलए हैं, एक हरियाणा का एमएलए है जो दूसरी कमेटी है, एक राजस्थान वाले डाल है, इन दोनों के साथ चार काउंसलर, आप ऐसे करें इनको 2-2 लाख रुपया दे दें। फिर कहने लगा नहीं इसको 10 देते, मैं कोई बात नहीं मैं 10 दे देता हूं। तो जब पंजाब के कांग्रेस नेता को आपने सुन लिया, लेकिन बड़ी बात जो निकली है वो ये कि कुलदीप सिंह वैद्य के पास नकली पीके का फोन पहुंचा, वो नकली पीके से मिले भी थे, पैसे ठगने की जो बात वो कह रहे हैं उन्होंने साफ बताया कि पैसे ठगने की कई बार कोशिश की गई और कुलदीप सिंह से पैसे भी मांगे गए हैं। तो पंजाब कांग्रेस के विधायक की पूरी बात आपने यहां पर सुनी है, नकली पीके ने किस तरीके से पंजाब के कांग्रेस नेताओं से पैसे मांगने की कोशिश की ये आपने जाना। लेकिन मैंने आज आपको यूपी और पंजाब की बड़ी इलेक्शन खबरें बताई हैं, आगे हकीकत क्या है जरूर देखिए, कैसे योगी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश का हर चेहरा होगा बेनकाब, सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।